इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वॉरियर्स होम्योपैथी डॉक्टर की कोरोना संक्रमण से हुई मौत को होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। एसोसिएशन ने जो चेतावनी दी है उसके हिसाब से यदि जान गंवाने वाले डॉक्टर और उसके परिवार को न्याय ना मिला तो समूचे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा झटका लग सकता है। कोरोना योद्धा डॉक्टर दिनेश यादव को न्याय दो से लिखी तख्तियां लेकर एसोसिएशन से जुड़े तमाम होम्योपैथी डॉक्टर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने शहर स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल प्रबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने विभिन्न मांगों का ज्ञापन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को सौंपा है। होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील दुबे ने बताया कि होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर दिनेश यादव शहर के स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के इलाज में उनकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। निजी अस्पताल में बगैर पीपीई किट दिए उनसे कोविड 19 वार्ड में ड्यूटी कराई जा रही थी जिसके कारण वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। शहर में मदन महल गुलाटी पेट्रोल पंप से लेकर दमोह नाका तक बन रहे फ्लाई ओवर का काम इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही शहरवासियों की परेशानी भी बढ़ा दी गई है। मेडिकल से शहर में की ओर जाने वाले और शहरों से मेडिकल में इलाज के लिए जाने वालों का कई जगह जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मदन महल थाने से रानीताल का मार्ग तो बंद हो ही गया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 3 साल तक शहर की जनता फ्लाई ओवर के निर्माण के कारण परेशान होती रहेगी। कई बड़े शोरूम्स का व्यापार भी इस निर्माण कार्य के कारण प्रभावित होगा। कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने नाम को सार्थक करते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। आज कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी ली। शर्मा ने जिला अस्पताल के कोविड मरीजों के उपचार की क्षमता बढ़ाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की। कलेक्टर के सीएमएचओ डॉक्टर अनुज कुरेरिया भी मौजूद थे। थानागढ़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू उर्फ नन्नी बर्मन के पास से पुलिस ने चोरी किए हुए 6 वाहन जब्त किए हैं जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की घटना बढ़ते जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि गढ़ा क्षेत्र के एक मैदान में युवक खड़ा हुआ है। वह अपने साथ चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल रखा हुआ है और किसी को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। पुलिस ने बताए हुए हूले के आधार पर मैदान में खड़े सोनू से जब उसकी मोटरसाइकिल के पेपर और कागजात मांगे तो वह दे नहीं पाया। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपने द्वारा लगभग से मोटरसाइकिल और चोरी करना बताया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चुराई हुई 6 मोटरसाइकिल जब्त कर ली है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि गढ़ा क्षेत्र अंतर्गत एक बाइक चोर पकड़ा गया है जिससे 6 बाइकें जब्त हुई जो कि जिसका नाम सोनू है, उसकी 19 वर्ष की आयु है और गढ़ा का ही रहवासी है। विगत दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि संपत्ति संबंधी जितने भी अपराध जो कि अब कोरोना खत्म होने के बाद जिनमें वृद्धि हो रही है उनमें अंकुश लगाने के लिए विशेष थाने स्तर पर टीम गठित कर सभी संपत्ति संबंधी अपराध जो भी पुराने नए हुए हो उन पर सर में अंकुश लगाने के लिए सबका एक सतत अभियान चालू किया है जिसमें रेगुलर रूप से सबकी चेकिंग की जाएगी और उनको रोज थाने बुला बुला कर उनसे पूछताछ की जाएगी उनके वेयर अबाउट के बारे में। इसी क्रम में गढ़ा पुलिस को बहुत उपलब्धि प्राप्त हुई है। एक चोर सोनू नाम का जिसे सूचना मिली कि वो एक चोरी की बाइक का सौदा कर रहा है तो उसे पकड़ा गढ़ा पुलिस ने और उसमें सतत कार्रवाई करते हुए सघन पूछताछ में पाया गया कि वो सिर्फ गढ़ा में ही नहीं बल्कि शहर के 5 सब डिवीजन जैसे गोरखपुर, कोतवाली, ओमती, तिलवाड़ा इन सभी थाना क्षेत्रों से उसने बाइक चोरी की। वो सभी पूछताछ में बाइकें रिकवर हो गई हैं, 6 बाइक्स रिकवर हुई हैं जिसके लिए गढ़ा पुलिस को मैं बधाई देता हूँ। कोविड के संक्रमण को देखते हुए जबलपुर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। जबलपुर में इसके लिए अस्थायी जेल भी बनाई गई है। सोमवार को इन अस्थायी जेलों में अस्थायी कैदियों की बोहनी हो गई। यदि शहर की बात करें तो कुल 35 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। अकेले गोरखपुर में 12 ऐसे लोग मिले जो बिना मास्क लगाए कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस इन लोगों को न सिर्फ समझाइश दी बल्कि अस्थायी जेल में उनसे कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की शपथ भी दिलवाई। पुलिस की इस कार्रवाई में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की चेष्टा करने वालों में दहशत नजर आ रही है। हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे मास्क लगाएंगे, सार्वजनिक स्थान पर रहने पर 2 गज की दूरी रखेंगे, बार बार दिन में हाथ धोएंगे और कोरोना को भगाएंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हमको जेल जाना पड़े।
बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपनगरीय क्षेत्र रांची के मानेगांव में भीषण गर्मी आते ही जल संकट की समस्या से क्षेत्रीय जनों के हाल बद से बदतर बने हुए हैं, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के संभागीय अध्यक्ष संजय भाटिया ने लाला लाजपत राय वार्ड के मानेगांव क्षेत्र में भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों की समस्या से अवगत होते हुए नगर निगम रांची जोन कार्यालय में 10 में डीईओ उपेश टोकरे को ज्ञापन देते हुए मानेगांव में जल संकट से जूझ रहे लोगों को पानी की व्यवस्था और पाइपलाइन डालकर पानी देने की मांग की है। साथ ही गांधी व्यायामशाला में नगर निगम द्वारा बीच सड़क में ओपन पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने की मांग की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के तत्वावधान में हम यहाँ नगर निगम में आज ज्ञापन सौंपने आए थे और क्षेत्रीय जनता की समस्या का समाधान करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। सबसे पहले तो दो ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें से पहला ज्ञापन मानेगांव की समस्या को लेके है कि मानेगांव में जो टैंकी बनी है उसकी पाइपलाइन बिछा के पूरा वहाँ पर पानी की सप्लाई दी जाए। और मानेगांव में सबसे ज़्यादा समस्या है कि वहाँ पर दो दिन बाद एक दिन पानी मिलता है, तो लोगों को रोज़ पानी मिले, अगर जल कर पूरा तो पानी आधा क्यों, 365 दिन का पैसा तो 120 दिन पानी क्यों, हमारा ये सवाल है नगर निगम से। और इसी विषय में हम नगर निगम अधिकारियों से बात करने आए हैं और ज्ञापन सौंपने आए हैं कि वहाँ की समस्या का, क्षेत्रीय जनता का समस्या का समाधान करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा रांची के रांची क्षेत्र अंतर्गत वार्डों की समस्याओं से संबंध में इसका हम लोग निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाटन तहसील में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीदी 6 दिन गुजर जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसान अब अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसान अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि अभी तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई है, खरीदी शुरू होती तो भी उन्हें राशि मिलने में देरी होती, उन्हें उड़द मूंग की बुआई के लिए राशि की जरूरत है, इसलिए वे अपनी उपज कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर है। वहीं कुछ किसान कर चुकाने के लिए भी अपनी उपज बेच रहे हैं। जानकारी के अनुसार पाटन कृषि उपज मंडी में गेहूं, चना, मसूर की आवक शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य से कम कीमत पर व्यापारी किसानों की उपज खरीद रहे हैं। समर्थन मूल्य से 300 और 400 रुपए कम कीमत पर 1 क्विंटल अनाज की खरीदी हो रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें हार्वेस्टर वाले सहित खाद बीज की उधारी चुकानी है, इसलिए वे कम कीमत पर उपज बेचने को मजबूर हैं। पश्चिम मध्य रेलवे में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अब ट्रैक के क्रॉसिंग पॉइंट पर सामान्य पॉइंट की जगह थिक वेब स्विच लगाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे को 150 थिक वेब स्विच लगाने का टारगेट मिला है, लेकिन उसमें 220 लगा दिए गए हैं। एक स्विच लगाने में 2.5 से 3 घंटे का ब्लॉक लेना पड़ता है, वहीं 35 से 40 कर्मियों की जरूरत भी पड़ती है। इसका बड़ा फायदा यह है कि इससे ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर की जा सकेगी, वहीं रेल के पहिए भी बेपटरी नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार रेलवे ने यह तकनीक बढ़ते हादसों के बाद 2017 में ही लागू करने का निर्णय लिया था, अब जाकर इसे लगाने की रफ्तार बढ़ी है। रेलवे लाइन में जहां पर पटरियों की दिशा बदली जाती है उसे फेंसिंग पॉइंट कहा जाता है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए उसका मजबूत और टिकाऊ होना जरूरी है। हाईकोर्ट में एक याचिका पर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब में बताया गया कि प्रदेश भर में संचालित ऑटो रिक्शा वाहनों के लिए विनियामक प्रावधान निर्धारित कर उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रदेश भर में 10 साल पुराने ऑटो डीजल रिक्शा को परमिट जारी नहीं किए जाएंगे, ऐसे ऑटो रिक्शा को सीएनजी में प्रतिस्थापित किया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान ग्वालियर में हुए ऑटो एक्सीडेंट और सीधे में हुए बस हादसे पर चिंता व्यक्त की। भाजपा द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ शहर भर में बूथ स्तर पर मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने जगहों पर स्थापना दिवस का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इस अवसर पर पार्टी के संदेश का वाचन भी किया गया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के रूप में मनाए रहे हैं। गुप्तेश्वर बाढ़ और सभी बूथों में आज 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस पवित्र और शुभ दिन पर हम अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा, कार्य पद्धति और कार्यों के लिए एक विशिष्ट राजनीतिक दल है। जनसंघ राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की स्थापना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।